राग दरबारी कान्हड़ा। राग दरबारी कान्हड़ा की उत्पत्ति आसावरी थाट से हुई है। इस राग में गंधार, धैवत और निषाद यानी ग, ध और नी, ये तीनों स्वर कोमल प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह और अवरोह में सात सात स्वर प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इसके आरोह और अवरोह में गंधार यानी ग और अवरोह में धैवत यानी ध का दुर्बल और वक्र प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है। इस राग का चलन मुख्य रूप से मंद्र और मध्य सप्तकों में होता है। इसका वादी स्वर ऋषभ यानी रे है और संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय मध्य रात्रि है। राग दरबारी के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए आरोह। नी सा रे गा सा मा प और अब प्रस्तुत है अवरोह। सा धनी प मा प ग मा रे सा। इस राग की पकड़ इस प्रकार है। सा रे गा रे सा धनी रे सा। अब प्रस्तुत है राग दरबारी कान्हड़ा की स्वरमालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग दरबारी कान्हड़ा की स्वरमालिका की स्थाई। नी सा मा रे सा नी सा धा नी नी सा नी सा मा अब प्रस्तुत है इस स्वर मालिका का अंतरा। मा मा प द द नी अभी आपने राग
दरबारी कान्हा की स्वर मालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना, बोल है सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई। सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम, सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम, करो रिपुदा मन करो संग्राम, करो अब प्रस्तुत है इस रचना का अंतरा। तुम भारत की शक्ति अमर हो, तुम भारत की शक्ति अमर हो, रखना ऊंचा देश का नाम, रखना ऊंचा देश का नाम। सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम, सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। अब प्रस्तुत है इसी रचना में सरगम के आलाप और तान। सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम, सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम, धनी रे इस राग की बंदिश को आइए एक बार फिर से सुनते हैं। सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम, सीमा प्रहरी
तुम भारत की शक्ति अमर हो, तुम भारत की शक्ति अमर हो, रखना ऊंचा देश का नाम, रखना ऊंचा देश का नाम। सी